राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है समर स्पेशल ऑफ शोल्डर ड्रेस। तो ये आज मैंने 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। सबसे पहले मैं आपको कान्हा जी का साइज़ लेना बता देती हूँ, ताकि आप जिस भी साइज़ के कान्हा जी की बनाना चाहो उस साइज़ की आप ईजिली बना पाओ। तो ऑफ शोल्डर टॉप के लिए हमें साइज़ कैसे लेना है, ये जो लॉन्ग वाली आर्म है इस आर्म का नहीं लेना, इस आर्म का लेना है यहाँ तक। ये देखिए, ये 1 इंचेस है, पूरा नहीं नापना, आधे तक ही नापना है। ये देख लीजिए, पूरा अगर नापेंगे तो ये 1.25 इंचेस है, लेकिन हमें पूरा नहीं नापना, यहाँ तक ही नाप लेना है। तो ये 1 इंचेस है, तो हमें एक स्ट्रिप लेनी है फैब्रिक की। ये देखिए, इसकी लेंथ हमने जितनी यहाँ से लेंथ नापी है उसकी डबल, मतलब 1 इंचेस अगर नाप आया है तो 2 इंचेस की लेनी है। और जो विड्थ है वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी गहरी चुन्नटे डालते हो, पर मैं जो ले रही हूँ वो 13 इंचेस की है। तो ये 2 नंबर के कान्हा जी का नाप है। तो हमने सबसे पहले स्ट्रिप को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पे और यहाँ पे इधर वाली साइड स्टिच देके सीधा कर लेना है। ये हमने स्टिच देके स्ट्रिप को सीधा कर लिया है। अब हम इस स्ट्रिप में चुन्नटें डालेंगे इस तरह से। आपने अगर लंबी स्ट्रिप ली है तो आप गहरी गहरी चुन्नटें डाल लीजिए, अगर आपने विड्थ कम ली है तो आप दूर दूर, हल्का सा दूर दूर चुन्नटे डाल लीजिए। तो मैंने जिस हिसाब से लेंथ ली है तो ये ना ज़्यादा दूर डलेंगी और ना बहुत ज़्यादा नज़दीक डलेंगी। ये देख लीजिए, पहली चुन्नट यहाँ आएगी तो दूसरी यहाँ इस तरह से आएगी। तो मैं इस तरह से चुन्नटे डाल के यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। तो ये हमने चुन्नटे डाल ली है। चुन्नटे डालने के बाद इसकी जो ये वाली है एरिया, वो इतना बचना चाहिए कि ये कान्हा जी के कुछ इस तरह से पूरा आना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पे पूरा आ रहा है इसी तरह से। तो चुन्नटें आप गहरी या दूर दूर अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिए, ताकि जो ये यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे हम वेलक्रो टेप का पीस ऐड करेंगे, आप हुक बटन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐड करेंगे फिनिशिंग के लिए, वो आप कंट्रास्टिंग फैब्रिक की भी कर सकते हैं, रिबन या लेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने लेस अटैच की है और साथ ही साथ हमने वेलक्रो टेप भी ऐड की है। तो ये कुछ इस तरह की हो गई। अब हमें इस तरह से पहनाना है इसको। यहाँ पे वेलक्रो टेप जो है बंद हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक डोरी अटैच करनी है जिससे इसका लुक और अच्छा आएगा। तो ये हमने डोरी भी ऐड कर दी है। डोरी ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब बारी आती है पजामी की, या निक्कर जिसे आप कहते हो। आप चाहो पजामी बना सकते हो या निक्कर बना सकते हो। अगर पजामी बनाना चाहते हो तो 3x7 इंचेस का फैब्रिक ले लीजिए, अगर निक्कर बनाना चाहते हो तो 2.5x7 इंचेस का फैब्रिक ले लीजिए। दोनों साइड हम हेमिंग करेंगे, एक साइड इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, दूसरी साइड सिंपली हेमिंग करेंगे। तो दोनों साइड पे हेमिंग करके हमने इलास्टिक को नोट लगा के कट कर दिया। अब इसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पे स्टिच लगाना है, देन ये वाला स्टिच मिड में ले जाके कुछ इस तरह से यहाँ पे वी स्टिच देना है। ये हमने स्टिच दे दिया है वी स्टिच। अब हम इसके अंदर वाला फैब्रिक जो है वो कट कर देंगे कुछ इस तरह से, और हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये निक्कर भी हमारी जो है बनके रेडी हो चुकी है। ये है इस सूट का फाइनल लुक। ये पहनाने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और समर्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।